गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं आपको। आप मैं हूँ प्रभा मिस। आपको जो पाठ पहले आपने तासिका में पढ़ा था ना, वो तृप्ति मिस ने पढ़ाया था आपको। और आज मैं आपको हिंदी भी पढ़ाने वाली हूँ। आज से आप मेरे साथ हिंदी सीखने वाले हो। तो आज से आपकी पाठ का नाम क्या है? हम आज पाठ दूसरा पाठ पढ़ने वाली है। ये पाठ पहला पाठ आपको समझ में आया होगा हाँ, से पूरा था आपका पाठ हाँ। अब हम आ की मात्रा से पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हो ना? आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठो पहले, हम आ की मात्रा के पाठ पढ़ेंगे। जो पाठ है पाठ से पहले उन्होंने बुक में दिया है हाँ, क्या दिया है देखो, 7 नंबर पाठ में आ की मात्रा कैसे लिखा है हाँ, सभी है व्यंजन है आपने सीखा है हाँ। तो पहले उन्होंने शब्द दिया है, देखो बुक में सभी ने बुक सभी खोलो, बुक में देखो शब्द दिया है उन्होंने हाँ। आपकी मात्रा में कैसे शब्द बना ले ये हम आज सीखने वाले। तो पहले टेक्स्ट बुक लेके बैठो आप सब। तो हम फलक में मैंने लिखा है आपकी मात्रा, शब्द नहीं लिखा हम आज, कैसे शब्द बनते हैं उसके हाँ, ये आज सीखने वाले। तो देखो यहाँ सभी जन, आज हम आपकी मात्रा हाँ, आपकी मात्रा कैसे दी है हाँ, आज आप देखने वाले हो। देखो यहाँ हाँ, क्या लिखा है पहले, हो व्यंजन हाँ, हो पढ़ते वक्त कैसा पढ़ना है उसे हाँ, कैसे तैयार होता है शब्द हाँ। देखो हो जोड़ आपकी मात्रा, इसे क्या कहते हैं, हम आज पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी मात्रा। यहाँ देखो आपने बुक में दिखाई हो, बुक में दिखाई हो, और देखो ऐसे है ना बुक में आपके जो है उसे आपकी मात्रा बोलते हैं हाँ। तो हम यही शुरुआत करने वाले हैं अभी से हाँ। देखो यहाँ हो हाँ, हो जोड़ आपकी मात्रा, जोड़ थ जोड़ आपकी मात्रा, जोड़ थ क्या हुआ, हाँ क्या शब्द हुआ, हाँ हाथ अपने हाथ, हाथ शब्द तैयार हुआ। तो लिखते वक्त कैसे लिखना है इसे देखो, हो आपकी मात्रा, हम पाठ पर अभी क्या पढ़ रहे हैं आपकी मात्रा, तो हो हाँ आया ना अभी, हो आपकी मात्रा, हो हाँ हाथ शब्द तैयार हुआ। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है, म जोड़ आपकी मात्रा, जोड़ ल जोड़ आपकी मात्रा हाँ। तो क्या हुआ, माला माला शब्द तैयार हुआ। माला मतलब क्या मालूम है आपको, माला मतलब जो महिलाएं जो छोटे छोटे ले बच्चों में बच्चे छोटे छोटे ले दीजिए हाँ, आपकी बहन आपको गले में क्या पहनती है, मोती जैसी माला पहनती है, इसको माला कहते हैं। और देखो फ्रेंड आके कहीं भी आपको गिफ्ट देते हैं हाँ, उसको क्या कहते हैं, माला हाँ, जो गले में पहनते हैं वो माला हाँ। तो क्या शब्द बनता है यहाँ हाँ, माला और आपकी मात्रा, मोर आपकी मात्रा हाँ, ल आपकी मात्रा हाँ, ला क्या हुआ, माला। बुक में है ना आपके, आपके बुक में है या नहीं, देखो माला है या नहीं हाँ, माला शब्द है हाँ, माला लिखते वक्त अच्छा लिखना है, कैसे माला है देखो ऐसे ही है ना बुक में, ये ना माला है ना ऐसे हाँ, तो है माला उनकी माला। अगला कौन सा है, छ जोड़ आपकी मात्रा, जोड़ त जोड़ आपकी मात्रा हाँ,
Bocor, akibatnya telur, akibatnya kelma, catak, catak tuh malu ya, kok sedih kok catak. Kesis tuh istilah istilah itu bahan bahan sih, mah buat bahan sih. Jadi dia tuh mau catak ya, deh na, buat malu ya, kok catak ya sih. Deh, deh, kok minyak, nyate, catak ya, lah itu mah. Jadi catak ya, catak itu, ha? देखो बाहर जब खूब धूप लगते तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना यूज करते हैं उसका इस्तेमाल बहुत होता है बारिश के दिन तो बहुत इसका इस्तेमाल होता है बहुत बारिश हो तो हां और धूप में तो इसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको क्या बोलते हैं छाता मालूम है छाता ये शब्द क्या हुआ होता है छाता तो कैसे लिखना है अभी देखो छ आपकी मात्रा तो आपकी मात्रा छाता 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 देखो छाता कैसी होती है हाँ छाता वही ना छाता हाँ इसे छाता बोलते हैं हाँ छाता हो हाँ छाता आपको मालूम होगा आगे तीसरा कौन सा शब्द है इसको आसन 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 यानी क्या हाँ आसन मालूम होगा आपको सभी को हाँ आसन आसन यानी हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसका हाँ बता दूँगे आसन यानी हम बैठने के लिए लेते हैं उसको हाँ पढ़ाई करते हुए हाँ खाना खाते हुए कोई तो घर में मेहमान आया हाँ मेहमान आया तो उनको बैठने के लिए देते हैं आसन और क्या करते हैं बोलो और हम सोने के लिए ही आसन ही डालते हैं आसन डाल के सोते हैं ओए आसन आसन शब्द तैयार हुआ देखो कैसे तैयार हुआ हाँ अभी ओ ओ ओ आपकी मात्रा और सन आसन और ओ आपकी मात्रा है हाँ आ ओ आपकी मात्रा और सन हुआ ना आसन शब्द तैयार हुआ देखो आपके बुक में कैसे बुक में भी ये ओ हाँ आसन अगला कौन सा है थ कैसे बोल रहे हो उसको थ जोड़ आ की मात्रा जोड़ ल क्या हुआ थाला हाँ थाल 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 यानी क्या थाल यानी घर में जो खाना खाने के लिए रहते हैं ना प्लेट में जब उसको थाल बोलते थाल के उसका इस्तेमाल क्या है उसका इस्तेमाल ये खाना खाने के लिए खाना खाते वक्त हम थाल भी खाते हैं ना और किसको परोसने के लिए थाल भी परोसते हैं क्या क्या खाते हैं उसमें नाश्ता करते हैं खाना खाते हैं दाल चावल खाते हैं ना वो है थाल हाँ थाल थाल तो कैसे लिखते हैं थो थो आपकी मात्रा और ल थाल हाँ थाल देखो आपके बुक में भी है उसका चित्र हाँ थाल अगला देखो कौन सा है हाँ देखो और ए लिखते कैसे लिखना है देखो ल हाँ ल थाल और अगला देखो कौन सा है अभी पढ़ो त त जोड़ आ की मात्रा जोड़ ल जोड़ त ताला क्या बना ताला ताला तो आप तो को आपकी मात्रा और ल को आपकी मात्रा हाँ ताला ताला हाँ ताला ताला मालूम है क्या आपको हाँ ताला ताला मतलब क्या हाँ ताला ताला मतलब क्या हाँ तो ताला मतलब हम बाहर जाते हैं हम कुछ तो खरीदने बाहर जाते हैं
जाते, तो घर ऐसे छोड़ के जाते क्या? घर को, घर के दरवाजे को ताला लगाते ना, उसको ही ताला बोलते हैं। हाँ, आपके बुक में वो भी चित्र दिया है, देखो चित्र है ना ताला का, देखो कैसे ताला का चित्र दिए। हाँ, ताला कैसे पढ़ना है उसको? जोड़ आ की मात्रा, जोड़ ल, जोड़ आ की मात्रा। देखो अगला कौन सा सवाल है, अगला कौन सा शब्द बनने वाला है, देखो अभी। हाँ, भाला। भाला मतलब क्या? जो सैनिक युद्ध में लेते ना, में भी देखो आपके चित्र भाला का, युद्ध के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शत्रु आते ना, हाँ, बहुत उनको भगाने के लिए वो क्या लेते, भाला का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाला। तो कैसे बनता है ये भाला? हाँ, आपकी मात्रा जोड़ने से कैसे भाला बोलते हैं, देखो। भोर कैसे उसको बोलना चाहिए, देखो। भोर जोड़ आपकी मात्रा, जोड़ ल, जोड़ आपकी मात्रा। तो क्या हुआ, कैसे बना, देखो। भो आपकी मात्रा, ल को आपकी मात्रा, कैसे बनाए? आपकी मात्रा भा, ल आपकी मात्रा ला, भाला। हाँ, हुआ ना भाला। देखो आपके बुक में भी है वो चित्र। हाँ, देखो। हाँ, देखो आपके बुक में है ना, देखो यहाँ देखो। हाँ, है ना भाला। और अगला देखो, गाजर। आपके बुक में भी दिया है गाजर। हाँ, दिया है ना गाजर। गाजर मालूम है ना, आप जब मम्मी के साथ सब्जी खरीदने जाते हो, हमारे गली मुहल्ले में बहुत बाजार आते हैं ना संडे के दिन। हाँ, तब आप मम्मी के साथ खरीदने जाते हो सब्जी, तब लेता है ना गाजर। गाजर देखिए क्या बोलते हो, मम्मी गाजर लो। हाँ, गाजर लेते हो क्या करते हो, ये हलवा करना है मम्मी। हाँ, हलवा करने के लिए गाजर लो, ऐसे बोलते हैं ना, ओए गाजर। तो कैसा बनाए, शब्द गो आखी मात्रा, आखी मात्रा, जोड़ 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 र। हाँ, यहाँ देखो ग को आखी मात्रा हुए और ये ज र, ऐसे लिखना है गा के बाजू में, कैसे लिखना है देखो। ग यहाँ पे आ की मात्रा और ज र, ज र गाजर। हाँ, गाजर भी दिया है आपके बुक में, देखो दिया है ना गाजर। हाँ, देखो। हाँ, दिया है नहीं? हाँ, गाजर। अगला देखो कौन सा है, दाल। दाल, दाल तो मालूम है आपको। हाँ, दाल, दाल कब लेते हैं हम? हाँ, रोटी खाते वक्त भी दाल लेके खाते हैं, चावल खा, चावल के साथ ना दाल खाते हैं, सबको मालूम है दाल। हाँ, तो शब्द कैसे बनाओ, उसका उच्चार कैसे करना है, देखो। घर जोड़ आपकी मात्रा, जोड़ ल। तो यहाँ आपकी मात्रा आई है ना, तो ऐसे लिखना है ग को आ की मात्रा और ल। हाँ, दाल। हुआ ना, अभी देखो लास्ट लास्ट रहे क्या है, न कैसे उच्चार करना है, न जोड़ आ की मात्रा, जोड़ वो। तो क्या बन गया देखो, न को, न को क्या आ की मात्रा और है वो नाव। नाव यानी आपको सभी को मालूम है। हाँ, नाव यानी क्या? हाँ, बारिश आती है तब आप क्या करते हैं, कागज की नाव बनाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, पानी जब जहाँ जहाँ ठहरा है ना। हाँ, बहुत मजा आता है ना आपको, जब बारिश आती है पानी ठहरता है तब हम बहुत मजा लेते हैं उसका, और कागज की छोटी छोटी कागज की नाव तैयार करके उसमें छोड़ते हैं। हाँ, बहुत मालूम है ना आपको, ना तो शब्द कैसे तैयार हुआ। हाँ, ना।
बोलो कैसी था हमने आ की मात्रा, सिर्फ आ की मात्रा सीखी, क्योंकि आ की मात्रा होने के बाद उसमें सिर्फ आ का ही पार्ट आएगा, वो सीखने वाले हो और उस पार्ट में सिर्फ आ की मात्रा के शब्द है, आ की मात्रा से पार्ट बनाने, इसलिए हम पहले हम सीखने वाले थे और ये आज हमने सीख गए, तो हम एक और एक बार उसे पढ़ेंगे, हाँ पूरा पढ़ेंगे, बाद में हम एचडब्ल्यू देंगे। देखो यहाँ ध्यान दो, सभी का ध्यान है, सभी को यहाँ ध्यान दो, और ये आपके बुक में लिखना है, जैसा है वैसा ही लिखना है, हाँ देखो हाँ, तो आपकी मात्रा है, जैसा लिखना वैसा ही आपके बुक में लिखना है, हाँ आप पहले पढ़ो ए मेरे साथ, ह जोड़ आ की मात्रा थ हाथ हाथ म म को आ की मात्रा ल आ की मात्रा माला छ आ की मात्रा त आ की मात्रा छाता ओ आ की मात्रा आसन जोड़ आ की मात्रा जोड़ने हमने क्या जोड़ा है, आ की मात्रा जोड़ी, तो उससे आ की मात्रा हम कैसे बोलते हैं, थ आ की मात्रा ल, तो थाल। अगला देखो, त आ की मात्रा ल आ की मात्रा तो क्या बन गया शब्द, ताला। अभी एक शब्द देखो, भो को आ की मात्रा है, तो भा ल को आ की मात्रा हुई, तो कैसे बोलना है इसे, भो आ की मात्रा ल आ की मात्रा भाला। ग आ की मात्रा जर। को आ की मात्रा है ना, तो गा शब्द बन गया, और ये हमने जोड़ा है इसे सिर्फ जर, हाँ जोड़ा है ना गा जर। दाल को आ की मात्रा, बोलो द आ की मात्रा, द आ की मात्रा जोड़ लो दाल। और लास्ट कौन सा है, नाव, न को आ की मात्रा नाव। तो अभी ये यहीं से हम रुकेंगे, आपको ये क्या करना है, हाँ लिखना है वो, हाँ कैसे लिखना है, हाँ बुक में आपके आपने पहले क्या पढ़ा था, ओ की मात्रा नहीं थी, ओ पार्ट पढ़ा था ना, उसके शब्द लिखने थे, वो शब्द आपने लिखा है, तो अगले पेज में आप क्या करेंगे, आ की मात्रा ऐसे लिखो बुक में, और जैसा है एक वन टू थ्री फोर ऐसे ही डाल के जैसा है वैसा ही लिखना है, और आपको एक चित्र निकालना है, तो आपके बुक में चित्र भी निकाल सकते हो, उसको कलर भी कर सकते हो, क्योंकि वो चित्र देख के आपको जल्दी याद आएगा, ये माला है, ये शब्द छाता है, छाता को देखते हैं, देख हम देख
दोबारा कुछ नए शब्द देखेंगे हां तो आपको ये घर में बुक में लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आने कैसे लिखा है मैं देखने वाली हूं तो सभी को आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है तो हम आज यहीं पे ही खत्म करेंगे एक पार्ट और जल्दी ही नए शब्द नए देखेंगे हां और यहाँ ही रुकने आप मैं यहाँ ही रुकने वाली हूँ नमस्कार